வணக்கம். वैसे तो मैं साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी के सरस्वती विद्यालय में 10वीं तक पढ़ा हूँ और मेरे 90% टीचर्स ये तमिलियन थे, लेकिन मुझे वणक्कम से ज़्यादा नहीं आता है। मंच पर उपस्थित हमारे आज के कार्यक्रम के नायक और जिन्होंने अपने मेमोयर्स को चरैवेती चरैवेती के माध्यम से एक गुरु मंत्र के रूप में हम सभी को समर्पित किया है, ऐसे उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल, भारत सरकार के पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक आदरणीय रामभाव नाईक जी, भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु के अध्यक्ष, पूर्व आईपीएस ऑफिसर श्री के अन्नामलई जी, मेरे साथी सैन कोलीवाड़ा के जनप्रिय एमएलए श्री तमिल सेल्वन जी, SIES के श्री देवदास नायर जी, इन सारे संस्करणों को जिन्होंने हम तक पहुंचाया, ऐसे पब्लिशर श्री अमित जैन जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय पदाधिकारी और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले हमारे विशेष अतिथि श्री के अन्नामलई जी का स्वागत भी करता हूँ और अपोलॉजी भी मांगता हूँ कि इस कार्यक्रम में मैं उनका भाषण सुनने के लिए रुक नहीं पाऊँगा, क्योंकि एक और कार्यक्रम आगे है और वहाँ मुझे पहुँचना है। किंतु मुझे बहुत खुशी है कि चरैवेती चरैवेती के इस कार्यक्रम में आज यहाँ पर मैं उपस्थित हूँ। जिसे रामभाव जी ने बताया कि मैं इस चौथे कार्यक्रम में उपस्थित हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये चौथा नहीं है, 4.5, क्योंकि जब सिंधी में पब्लिकेशन हुआ था तो मैं उपस्थित था, लेकिन कार्यक्रम से पहले निकल गया था, क्योंकि उस दिन वैसे मुझे हेलीकॉप्टर से कहीं जाना था, तो इसलिए 4.5 times I have been here। और मुझे लगता है कि चरैवेती चरैवेती 12 भाषा और 3 ब्रेल ऐसे 15 संस्करण हुए हैं, और शायद इसके 25 संस्करण भी हम लोग पूरा करेंगे, और तब रामबाबू का रिकॉर्ड तो अभी बना है, तब भी बनेगा, और मेरे ख्याल से तब मेरा भी एक रिकॉर्ड होगा कि एक ही आदमी सबसे ज़्यादा बार पब्लिकेशन के लिए लेखक के साथ कोई था तो मैं था। रामभाव जी ने जैसे बताया कि उन्होंने गुरु मंत्र दिया है, तो मैं ये कन्फेस करना चाहता हूँ कि संसदीय लोकतंत्र में रामभाव के अनुभव का फायदा ये मेरे जैसे व्यक्ति को भी हुआ। मैं जब पहली बार विधानसभा में चुनकर गया था, उस समय लोकसभा में वहाँ के सेक्रेटरिएट ने चुनकर आए हुए विधानसभा के सदस्यों के लिए एक अभ्यास वर्ग रखा था, और उस अभ्यास वर्ग में हमको मार्गदर्शन करने के लिए आदरणीय रामभाव आए थे, और उस समय चुनकर आए हुए जनप्रतिनिधियों को रामभाव ने एक बड़ा अच्छा मंत्र दिया था, और वो मंत्र ये था कि आप जब विधानसभा में रहते हो तो ऑलवेज रिमेंबर योर कॉन्स्टिट्यूएंसी।
while you are in the house, always remember your constituency. And while you are in constituency, always remember your work in house. आप जब मतदार संघ में रहते हो तो आप विधानसभा को याद करिए. मतलब यह है कि विधानसभा में जब आप अपने मतदार संघ को याद करोगे तो जब भी विषय आएगा तो आपके दिमाग में होगा कि मेरे भी मतदार संघ का ये विषय, आप वो विषय को वहाँ रखोगे और आपको न्याय मिलेगा, आपके लोगों को न्याय मिलेगा. और जब आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूमते हो उस समय जो भी प्रॉब्लम आपको ध्यान में आता है, अरे ये तो मैं विधानसभा में रख सकता हूँ, इसके ऊपर मैं कॉलिंग अटेंशन मोशन कर सकता हूँ, इस पर मैं प्रश्न कर सकता हूँ, इसके ऊपर मैं डिबेट कर सकता हूँ, तो दोनों तरीके से आप अपने लोगों को न्याय दे पाएंगे. मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो गुरुमंत्र उस समय रामभाव ने दिया था, मेरे अभी करीब 22-23 साल का लेजिस्लेचर करियर हुआ है, हमेशा उसको याद रखते हुए मैंने लेजिस्लेचर में काम किया और उसका बहुत फ़ायदा ये मुझे हुआ. और अब पिछले 10-15 साल से मैं लोगों के बीच या नए जो मेंबर्स आते हैं विधानसभा के उनके बीच उनको प्रशिक्षित करने के लिए जाता हूँ, तो हमेशा रामभाव का नाम लेकर उनको कहता हूँ कि ये जो मंत्र रामभाव ने दिया है इसका मुझे भी फायदा हुआ और आप लोग भी इसका फायदा लीजिए. एक जनप्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति कितना जागरूक हो सकता है, इसका उदाहरण यानी रामभाव है. एक एक विषय को चुन चुन कर उसका फॉलोअप करना. कई बार हम लोग एक विषय उठाते हैं उसको भूल जाते हैं, रामभाव ने ऐसा कभी नहीं किया. रामभाव उस विषय का पूरा पीछा करके जब तक वो विषय सॉल्व नहीं होता तब तक संघर्ष करते रहते. और कई प्रकार के विषय उन्होंने कुष्ठ रोगियों के बारे में बताया, हमारे मच्छीमारों के बारे में जो हमारे प्रोजेक्ट अफेक्टेड है उनके बारे में कई कायदे कानून नियम इसलिए बने कि रामभाव ने उनको सामने रखकर और उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया, तो उस ग्रुप को तो फायदा हुआ लेकिन उससे नियम बने, कानून बने, कायदे बने जिससे बहुत लोगों को फायदा हुआ. रामभाव का ये जो चरैवेति में उनका जीवन अगर हम देखेंगे तो एक बड़ा संघर्ष से तैयार हुआ जीवन है. किस प्रकार से मुंबई आए, एक गैरेज जैसी खोली में रहे, किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया, खाने के भी लाले थे, रहने के भी लाले थे. एक समय तो ऐसा था कि नहाने की जगह नहीं, शौचालय की जगह नहीं. ऐसे सारे बैकग्राउंड में रहते हुए भी संघर्ष से पढ़ाई की, पढ़ाई करते समय पढ़ाई करने को पैसा नहीं है इसलिए दो पैसे कमाने की कोशिश की. ऐसी सारी बिल्कुल संघर्ष से जीवन खड़ा करते हुए और रामभाव ने उसी समय फैसला किया कि देश के लिए मुझे काम करना है, राष्ट्रहित में काम करना है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, जनसंघ हो, एक इस प्रकार से उन्होंने अपने कार्य को प्रारंभ करते हुए अपना पूरा जीवन ये समाज को समर्पित किया. इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो एक चरैवेति में जो हम लोगों को सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी, ये बड़ी रोमांचित करने वाली चीज़ें हैं कि एक व्यक्ति अपने जीवन में किस किस प्रकार से सामान्य से असामान्य बनता है, कॉमन मैन किस प्रकार से अनकॉमन बनता है, बड़ा बनता है, ये हमको इसमें से पढ़ने को मिलता है और आम आदमी को इसमें से एक प्रेरणा मिलती है. उत्तर प्रदेश में राज्यपाल के रूप में उन्होंने जिस प्रकार से काम किया, मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़े ही एक्टिव राज्यपाल के रूप में रामभाव वहाँ पर थे. सब लोगों को साथ में लेकर परिवर्तन होना चाहिए, छोटे व्यक्ति के, गरीब व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, ये रामभाव का हमेशा आग्रह रहा है. और उसी को लेकर उन्होंने हमेशा अपने जीवन का समय दिया है. मैं ऐसा मानता हूँ कि रेलवे मंत्री के रूप में, पेट्रोलियम मंत्री के रूप में, वैसे तो उनके जो कार्य है इस हर कार्य के ऊपर हम कुछ देर तक बोल सकते हैं लेकिन एक समय की भी मर्यादा होती है. और जैसा उन्होंने कहा कि चरैवेति चरैवेति की सारी चीज़ें अगर मैंने यहाँ पर बता दी तो आप किताब क्यों लेंगे,
और आप उसको क्यों पढ़ेंगे? तो आपने उसको लेना भी चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। इसलिए मैं आपको इतना ही कहता हूँ कि अपने जीवन में अगर प्रेरणा पानी है तो चरैवेति चरैवेति आप पढ़िए, प्रेरणा मिलेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, कुछ करने की इच्छा पैदा होगी और वो करने के लिए आत्मबल भी पैदा होगा। इस प्रकार के विचार आपको इसके माध्यम से मिलेंगे। मैं रामभाऊ को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अभी रामभाऊ ने यहाँ पर घोषित किया है कि वे 87 इयर्स के, वैसे तो किसी को लगता नहीं है कि वो 87 इयर्स के हैं, और मैं तो बचपन से रामभाऊ को देख रहा हूँ और मैं जब से देख रहा हूँ तब से रामभाऊ ऐसे ही है, उनमें कोई अंतर नहीं है, और ईश्वर से प्रार्थना है वो ऐसे ही रहे। और इसलिए डॉक्टर अमित जैन जी से ये निवेदन है कि अगले 13 साल हर वर्ष एक भाषा में इसका संस्करण आप प्रकाशित कीजिए और हर कार्यक्रम में मुझे बुलाइए, मुझे भी रिकॉर्ड करना है। तो रामभाऊ जब 100 साल के होंगे उस समय का जो संस्करण होगा उस समय मेरा भी एक रिकॉर्ड होगा और निश्चित रूप से ये प्रेरक विचार लोगों तक पहुँचेंगे। मैं विशेष रूप से साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी का और हमारे तमिल सेल्वन जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि तमिल में आपने इसको यहाँ पर पब्लिश किया। तमिल एक बहुत ही सुंदर इस प्रकार की भाषा है, एक हमारे देश की प्राचीनतम भाषा है, और मुझे ऐसा लगता है कि तमिल में जो ज्ञान है वो बहुत ही प्राचीन समय से एक ज्ञान की पूंजी हमको तमिल में मिलती है। कई बार हमारे जैसे लोग जिनको ये भाषा नहीं आती उनको ये लगता है कि हम लोग जो विजडम है उससे कहीं ना कहीं दूर हो गए हैं, पर मुझे लगता है कि जब इस प्रकार से ट्रांसलेशन होता है अलग अलग भाषाओं में तो उस भाषा का ज्ञान भी हम तक पहुंचता है। आज हम लोग जानते हैं कि तमिल के जो महान कवि है, फिलोसोफर है थिरुवेलुवर, इनके जो तिरुकुलर है, जो दुनिया का सबसे बड़ा विजडम उसमें है, अगर वो दूसरी भाषाओं में अनुवादित नहीं होते तो हम जैसे व्यक्तियों को पता ही नहीं चलते। आज मराठी में, हिंदी में, अंग्रेजी में उसका अनुवाद हुआ तो वर्ड्स ऑफ विजडम केवल दो दो वाक्यों में कितना सुंदर जीवन का ज्ञान हमको इन तिरुकुलर्स के माध्यम से मिलता है। तो इसलिए हमारे भारत में ये ज्ञान को हम लोग इन अनुवादों के माध्यम से सब तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, और मेरा विश्वास है कि ये तमिल संस्करण हमारे जितने तमिल भाई बहन हैं उन तक पहुंचकर उनको भी इससे प्रेरणा मिलेगी। फिर एक बार इस बहुत ही अच्छे कार्यक्रम में मुझे यहाँ निमंत्रित किया इसलिए आभार व्यक्त करता हूँ। कार्यक्रम की शिष्टता को छोड़कर मैं बीच से जाऊँगा, इसलिए आप सभी की क्षमा मांगता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।